महुआ मोइत्रा मामले की बात करते हैं, जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में आज महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई हुई है। निशिकांत दुबे की तरफ से वकील अभिमन्यु भंडारी पेश हुए। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा ने संसद में ली शपथ का उल्लंघन किया है। उन्होंने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स किसी और को दिए हैं। कोर्ट में महुआ मोइत्रा के वकील ने कहा कि वो अपनी याचिका पर दबाव नहीं देना चाहते हैं और वो इस स्टेज पर इंजंक्शन नहीं चाहते। कोर्ट ने सुनवाई जो है वो अगली तारीख 5 दिसंबर की यहाँ पर अब तय कर दी है। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बीजेपी सांसद और दूसरे लोगों को उनके खिलाफ अपमानजनक सामग्री का प्रसार रोकने की मांग की है और पिछली सुनवाई में उनके जो वकील हैं शंकर नारायण, उनको अपना नाम वापस लेना पड़ा था इस केस से, क्योंकि जय अनंत देहाद्राई जो हैं वो भी इस मामले में पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि महुआ के वकील जो हैं वो फ़ोन करके उनसे समझौता करने की बात कह रहे हैं, जिसके बाद जज ने सवाल उठाए थे और महुआ के वकील ने केस वापस ले लिया था। महुआ के वकील ने अपना नाम यहाँ पर वापस ले लिया था। और अब निशिकांत दुबे जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष को मैंने महुआ जी के राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखने में व पैसे लेकर संसद में प्रश्न पूछने का मामला क्यों पत्र के माध्यम से बताया, इसके लिए मेरे तथा सभी प्रेस के लोगों पर दिल्ली हाईकोर्ट में केस महुआ जी ने किया है, उसकी आज सुनवाई है, न्यायालय पर हमें भरोसा है, सत्यमेव जयते। तो ये सुनवाई से पहले निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था। सौरभ शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सौरभ, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, बताएं। देखिए, कोर्ट में दोनों तरफ के वकील मौजूद थे और जब सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट बैठी और सचिन, जो जस्टिस सचिन है, उनकी कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी। वहां पहुंचते ही जो भंडारी वकील निशिकांत दुबे के लिए पेश हुए, उन्होंने तुरंत यही कहा कि महुआ मोइत्रा ने जो शपथ ली थी संसद की उसका उल्लंघन किया है। उन्होंने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स किसी बड़े उद्योगपति को दिए और उसके बदले में एवज में महंगे तोहफे लिए और उनके कहने पर उन्होंने संसद में सवाल पूछे। इसके बाद महुआ के वकील ने कहा कि वो जो उन्होंने ये अपनी याचिका दाखिल की है उस पर वो ज्यादा दबाव नहीं बनाना चाहती हैं और उन्हें अगली तारीख दे दिया जाए और उन्होंने कहा कि आज तारीख को टाल दिया जाए और इसलिए अब अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। और जैसा कि उन्होंने ये भी कहा कोर्ट में कि वो निशिकांत दुबे, जयानंद देहाद्राई और मीडिया के बयानों पर रोक की मांग पर भी आज जोर नहीं देंगे, यही याचिका है। और उन्होंने अपनी याचिका वापस नहीं ली पर उन्होंने कहा था वो जोर नहीं देना चाहती हैं और उनको अगली तारीख कोर्ट ने तुरंत वहीं पर दे दी। तो यानी अब महुआ मोइत्रा को मीडिया ट्रायल भी फेस करना पड़ेगा और लगातार जो निशिकांत दुबे ट्वीट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जो तमाम उन पर आरोप लगा रहे हैं उनको भी उससे कोई राहत नहीं होगी। तो फिलहाल महुआ मोइत्रा को कोई राहत नहीं और 5 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। ऐसा लगता है कि महुआ मोइत्रा घिर गई हैं, उन्हें पता था कि अगर वो कोर्ट में किस बिना पर कहेंगे, क्योंकि अभी मामला जो है पार्लियामेंट्री कमेटी का भी है, वहां पर भी सुनवाई चल रही है, उसमें भी जो ये निकल करके आया कि नंदानी ने भी ये बात स्वीकार की है कि महुआ मोइत्रा ने उनको अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स दिए थे। तो ऐसे में महुआ मोइत्रा के पास कोई बहुत बड़े दलीलें नहीं थी कोर्ट में कि वो कोर्ट में अपने जो चार्जेस हैं उनको प्रेस करती, यही वजह है कि उन्होंने अपने चार्जेस पर अपनी याचिका पर जोर नहीं दिया। आदिति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए।